अब मैं आपको बता देता हूँ पूरे दिन का विवरण गुवाहाटी के अंदर हमारा कैसा रहा। देखिए, हम यहाँ पर सुबह 9:30 बजे लैंड कर गए थे। हमारी मॉर्निंग में जो फ्लाइट थी 6:10 की थी इंडिगो, और हम 5 लोग थे। हमारा 5 लोगों का ग्रुप था। हम लोग पूरे प्री प्लानिंग के साथ आए थे गुवाहाटी के अंदर कि हम यहाँ बहुत चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। एनी वे, एक्सप्लोर करने की काफ़ी सारी चीज़ें। आसाम अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। नेचुरल ब्यूटी बहुत है। हालांकि हमने अभी डीप विजिट नहीं किया है। हम जस्ट एयरपोर्ट से उतरे और जो होटल हमने किया है वो होटल सिटी से बहुत बाहर है, तो उसकी वजह से हमें डीप सिटी के अंदर जाने का मौका ही नहीं मिल पाया, है ना। और उसके बाद हम जब आए तो हम इतने थक गए थे कि हम सारे लोग खाना आना खा के सो गए। नाउ रात में हमने सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, तो फिर हम एक्सप्लोर करने के लिए निकले। निकलने के बाद जो मैंने वहाँ का माहौल देखा, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, उनको मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी कि हमने गुवाहाटी में अपना एक्सपीरियंस कैसा करा और हमें क्या क्या मज़े आए, क्या क्या इन्जॉय करें। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो कृपया करके अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और तन्नू की टोली को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में काफ़ी सारी चीज़ें मज़ेदार जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। फैमिली चैनल है, पूरी फैमिली और अपने बच्चों के साथ इसको आराम से देख सकते हो। धन्यवाद। मेरा नाम शक्ति है और मैं तन्नू की टोली के चैनल का ऑनर हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम आज ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हैं। हमारा भांजा साथ में है और ये ट्रैवलिंग है यहाँ से मुंबई से गुवाहाटी के लिए। आगे की वीडियो पूरी एक्सप्लोर करूँगा, तब तक आप साथ में बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मैं आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। वेलकम बैक। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं गुवाहाटी के अंदर। वहाँ से हमने बहुत मशक्कत करने के बाद एक टैक्सी करी। आज अभी अनुभव था हमारा, किसी ने 1100 बोले, किसी ने 1800, किसी ने 600 रुपए में एक बंदा हमारे से सेट हुआ। ये है हमारे भाई, आपका नाम क्या है? रूपो नाम है इनका। रूपो ने हमको हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया है। अब हम पहुँचेंगे, बाकी का वीडियो 600 रुपए में। हाँ, और इनसे डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या खाने के लिए बेटर है, तो बाकी का वीडियो हम अभी होटल में पहुंचने के बाद मिलाएंगे। और देखो लोग कैसे बुरी तरह से थक चुके हैं, नींद भी पूरी नहीं हुई है, सुबह 5 बजे के जगे हुए हैं। ये देखो लोगों की हालत कैसी हो रही है, सब टेढ़े मेढ़े हो गए नींद की वजह से। मुझे तो वीडियो बनाना भी नहीं आ रहा ढंग से। ठीक है भैया, बाकी के वीडियो हम लोग एडिट करके बाद में बनाएंगे। आप क्या कह रहे हो? नदी? हाँ तो चलो ना वहीं पे। और उतना ही पैसा लगेगा, कम लगेगा? नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता रहे हो? हमें नहीं कुछ नहीं पता, तुम हमें लेके चलो बढ़िया जगह पे घुमा के लेके आओ। और अब हम यहाँ से निकले हैं होटल से। कौन सी जगह पे घूमने पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। आ तो गए गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी का व्यू भी बहुत प्यारा है। रोमिंग इन गुवाहाटी सिटी। जो अपने लोकल रहते हैं ना, लोकल, उनको दिक्कत है। Hi, we got a burger finally. So finally we are satisfied eating something. Yes, we have. We had 10,000 meal in the morning and that is not satisfied at all. Oh, bhai, oh, bhai, 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 bhai. Aur apan gaye Salukwadi. Salukwadi.
अभी हम बस से जा रहे हैं पालीगांव। मी माय ब्रदर मामा से हाय। हां बस का भी एंजॉय कर लो। बोलो कुछ व्लॉग कर। ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद अब हम बाय बस पालीगांव जा रहे हैं। और ये मुझे आपको बताना है कि गुवाहाटी में हम लोग बस से भी ट्रेवल किए। बस में जो एंजॉय आता है वो कार में नहीं आता, क्योंकि कार में आप कांच के बिना नहीं देख सकते, कांच के अंदर ही देख सकते हो, यहाँ नेचुरल हवा भी ले सकते हैं। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? नेक्स्ट स्टॉप है ना पालीगांव, यही पालीगांव में हम आ गए हैं। बाकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। पूरा मार्केट घूम लिया, कम से कम एक घंटा पूरा हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। ये मॉल में भी आया, किसी ने बोला चौथे फ्लोर पे चले जाओ, चौथे फ्लोर में गए तो वहाँ पे दो ही दुकानें थी, केवल पिज्जा हट था, मोमोज थे, वहाँ पे बर्गर किंग भी नहीं था। तो नीचे आए, नीचे आने के बाद भी स्टेयरकेस भी बंद थी। फाइनली हमको बर्गर किंग मिला और हमने 3 बर्गर ऑर्डर दिए, खाना खाएंगे। मार्केट में गए, रिक्शे वालों ने हमसे 100-150 रुपये ले लिया इधर उधर घुमाने के। आपको ये मार्केट में लेके जाते हैं, आपको वो मार्केट में लेके जाते हैं। कोई मार्केट में जाने के बाद ही हमको कुछ भी नहीं मिला। धोखा 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 हुआ है, धोखा। आप कुछ कह नहीं सकते हो? क्या बोले अब? बर्गर किंग आए और बर्गर किंग में पूरे मॉल में इतने लोग नहीं है जितने बर्गर किंग में है। और सिर्फ मॉल में है 2 ब्रांड, ट्रेंड रिलायंस। तीनों फ्लोर पे रिलायंस है इन लोगों का, रिलायंस डिजिटल इन लोगों का, कुछ भी नहीं है। और हम लोग बर्गर खा रहे हैं, बर्गर खा रहे नहीं है, बर्गर आया भी नहीं है। चलो एक्सप्लोर हो गया बहुत, खाना वाला खा लो। और सच्ची बता तो गुवाहाटी जैसा नहीं था, कैसा था अभी तो मालूम नहीं, रात की मार्केट ऐसी है, बाकी दिन में मालूम पड़ेगा। दिन में तो बहुत गर्मी थी और लोग तो यहाँ के ऐसे थे, पता ही नहीं है किसी को कुछ पता ही नहीं है। एक ऊंचो में मॉल का है, मॉल क्या होता है? तो गाइस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये डिस्क्रिप्शन कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल मत करें। मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय, राधे राधे।